हेलो माय लवली फैमिली, वेलकम बैक टू सुजातास प्लैनेट। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड गए हैं ऑफिशियल काम से कहीं आउट ऑफ स्टेशन, तो मैं आज अकेली हूँ। और आज मैं दिन भर क्या क्या खाती हूँ मैं आज आपके साथ वो शेयर करूँगी। वैसे तो अकेले रहो तो खाना बनाना बहुत ही आलस का काम लगता है मुझे, लेकिन मेरे जैसे भुक्कड़ भूखी भी नहीं रह सकती है। तो क्या क्या मैं आज दिन भर खाने वाली हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके पहले थोड़ा काम है वो निपटा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। रात को मेरी नींद अच्छे से नहीं हुई है और सुबह भी नींद जल्दी खुल गई है, इसलिए आँखें मेरे बहुत दुख रही है और फूल भी चुकी है। इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा बर्फ लगा लूँ ताकि थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो और स्वेलिंग भी कम हो जाए। बर्फ़ वैसे तो मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, लेकिन अगर कभी ऐसा लगा कि आँखें फूल चुकी है और टाइम है मेरे पास में तो लगा लेती हूँ। वैसे तो बर्फ़ डायरेक्ट चेहरे पर अप्लाई नहीं करना चाहिए, पर अभी मन नहीं कर रहा कि पानी में मिक्स करके उसे लगाऊं, तो इसलिए ऐसे ही बर्फ़ को लगा ले रही हूँ। और लगाना भी है बर्फ़ तो एक दो मिनट बस लगाना चाहिए डायरेक्ट अगर अप्लाई करना हो तो, और उससे ज़्यादा टाइम तक के बर्फ़ को चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए। बर्फ़ लगाने के बाद में इतना अच्छा लग रहा था, फ्रेश लग रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था। तो बर्फ़ लगाना तो हो गया है, तो अब मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो मॉइस्चराइज़र नहीं लगाऊंगी तो मुझे और भी ज़्यादा अजीब फील होगा। मॉइस्चराइज़र और लिप बाम तो मस्ट है। तो अपनी केयर करने के बाद में थोड़ी घर की भी हालत सुधार लेती हूँ, बेड वगैरह जमा लेती हूँ, क्योंकि बेड वगैरह ठीक नहीं किया तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। आज हस्बैंड घर पे नहीं है तो मुझे काम करने का बहुत आलस आ रहा है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। अकेले रहो या दुकेले रहो, कुछ ना कुछ काम तो रहता ही है। बट आज मैं अपने हिसाब से आराम आराम से काम करूँगी। आज कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, नहीं तो ये ऑफिस जाने का टाइम रहता है तो सुबह मुझे हर काम टाइम टू टाइम करना पड़ता है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं फ्री हूँ, अपने हिसाब से जो चाहे जब चाहे काम कर सकती हूँ। तो सब काम करने के बाद में मैं नाश्ता बना रही हूँ आज अपने लिए। ढोकला, ये है रवा ढोकला, ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है, बनाने में एकदम सिंपल कम टाइम में बन जाता है। तो नाश्ता करने के पहले मैं खिड़की खोल लूँगी, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ क्योंकि खिड़की खोल लेने से ना हवा भी बहुत अच्छी आती है और अच्छा फ्रेश फील होता है, उजाला भी आता है तो अच्छा लगता है। तो मैंने आज ढोकले के साथ में एक केक लिया था जो मैंने खुद ही घर पर बनाया था, एक पीस उसका भी ले लिया और फिर नाश्ता कर लिया। नाश्ता वगैरह करने के बाद में एक पार्सल भी आ चुका था, लेकिन पार्सल मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था और ओटीपी मेरे पास नहीं था, लेकिन वो पार्सल वाले भैया हमारे पहचान के थे, हमेशा वही पार्सल डिलीवर करते हैं। बोले कि ओटीपी बाद में भी दे दिया तो चलेगा, मैं भी ऐसा भी होता है। तो आज मैं दोपहर को बनाने वाली हूँ ये वाले नूडल्स। ये हमारे नॉर्मल जो नूडल्स होते हैं उससे थोड़े बारीक होते हैं। हम लोग जब छोटे थे और कोलकाता जाते थे नानी के वहाँ पे, तब ये खाते थे, बहुत ही मज़ा आता था, टेस्टी लगता था और हमारी पहली डिमांड ही होती थी कि हम लोगों को चाउमीन खाना है। और ये जो है ये अमरावती में नहीं मिलता है तो हम लोग बहुत मिस करते थे। और जब मुझे ये रांची में मिला ना, मैं बहुत खुश हो गई थी कि यार नूडल्स मिल गए। तो आज मैं यही बनाऊँगी, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं अभी जब बात कर रही थी आपको बहुत आवाज़ आ रहा होगा पीछे से किसी चीज़ का चलने का, तो ये गर्म पानी मैंने इंडक्शन पे रखा था इसीलिए इंडक्शन का बहुत आवाज़ आ रहा था। फिर मैंने ये नूडल्स बना लिया, ये बहुत ही खाने में यम लगता है। अगर आपको ये नूडल्स की रेसिपी और ढोकले की रेसिपी चाहिए तो मेरा जो फूड चैनल है होम कुक सुजाता, आपको उस पर ये दोनों रेसिपी मिल जाएगी। उस पर मैंने रेसिपी डाली हुई है इसलिए मैंने इस पर इतना रेसिपी नहीं बताया है क्योंकि वही रिपीट रिपीट हो जाएगा। बाद में दोपहर को मैंने नूडल्स खाए जो बहुत ही टेस्टी बने थे और मुझे अच्छे ही लगते हैं ये चाउमीन। जब मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं तो हम लोग नीचे बैठ के आराम से खाना खाना ही पसंद करते हैं, वही प्रेफर करते हैं, लेकिन आज वो नहीं है तो मैं डाइनिंग टेबल पे ही खा रही हूँ क्योंकि नीचे अकेले बैठने का मन नहीं कर रहा है। तो टीवी देखते देखते अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ।
खाना वाना खाने के बाद में मैं थोड़ा आराम करने चली गई थी, तो तभी देखा कि मौसम चेंज हो रहा है और अचानक से बारिश शुरू हो गई। बट कुछ भी हो, जितनी गर्मी हो रही थी ना, अच्छा ही हुआ बारिश आई, थोड़ा वातावरण ठंडा हो जाएगा तो रिलैक्स लगेगा, क्योंकि कूलर फैन चलाने के बाद भी गर्मी कम नहीं हो रही थी, इतनी ह्यूमिडिटी भी हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था। और इस साल तो मौसम का वैसे भी पता नहीं चल रहा है, अचानक से बारिश हो रही है, अचानक से धूप निकल रही है, अचानक से मौसम इधर का उधर हो जा रहा है। फिर ये सब करने के बाद में शाम की चाय वगैरह मेरी पीनी हो गई थी, फिर रात को मैंने जल्दी ही आज खाना बना लिया। तो आज मैं बना रही थी सिंपल खिचड़ी, ये खिचड़ी मेरी फ्रेंड बनाती थी जब मैं उसके साथ में रूम पे रहती थी, एकदम ही सिंपल। वैसे तो ये तुअर दाल से बनाती थी वो, लेकिन मेरे पास तुअर दाल नहीं था इसलिए मैं मूंग दाल से बना रही हूँ। सिंपल दाल चावल डाल के उसमें थोड़ा हल्दी और नमक डाल के सीटी लगा लो और फिर ऊपर से थोड़ा सा तड़का लगा लो। ये खिचड़ी बहुत ही सिंपल बनती है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बट ऐसी खिचड़ी मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ, तो आज सोचा मैं अकेली हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ। और बनाते बनाते मैं जब तड़का लगाने लगी तो भूल गई कि जीरा जल रहा है, और कोई बात नहीं, मैं तो आज अकेली ही खाने वाली हूँ, थोड़ा जल भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आज ये खिचड़ी खा के ना, जब नागपुर में मैं रूम पे रहती थी वही वाली बात याद आ गई और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। आज दिन भर फील हो रहा था कि मैं रूम पे ही रह रही हूँ, और आज दिन भर अकेली रही तो मेरे फ्रेंड लोगों को भी बहुत मिस किया मैंने, क्योंकि आज हम लोग ऐसी ही खिचड़ी बनाते थे, अगर थक जाते थे हॉस्पिटल से आने के बाद में तो ऐसी ही सिंपल खिचड़ी खा के सब खुश हो जाते थे, क्योंकि टिफिन का खाना खाने से बेटर तो ये खिचड़ी खाना ही हम लोगों को लगता था। फिर टीवी देखते देखते मैंने नाइट का डिनर कर लिया। तो आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ खिचड़ी खाते खाते। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।